भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती है। इस खास मौके पर उन्हें देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी के 99वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा समेत कई नेताओं ने उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। अटल बिहारी वाजपेयी के 99वीं जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि सुशासन के दिव्य प्रतिमान, भारतीय राजनीति के युग पुरुष और पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका अद्वितीय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का महान स्रोत है। इसके अलावा कई विकास कार्यों को लेकर के भी उन्होंने जानकारी दी। क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। गौरव दिवस के अवसर पर क्या आतिशबाजियां हो रही है, क्या साज सज्जा है, और यहाँ पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए आज हमने अपने राज्य शासन के 200 करोड़ की लागत से सिरोंज पहाड़ी के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक का और उसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयाम जोड़े हैं, जिसमें ओपन थिएटर है, सभागार है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे आयोजन हो सकेंगे। ये पूरे आयोजन का हमने आज भूमि पूजन शिलान्यास करने का प्रयास किया जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन के लिए। कोई आए ग्वालियर अगली बार तो अगली बार अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को समझने के लिए, वैसे तो वो विराट व्यक्तित्व के धनी थे, सारी बातों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उसकी एक झलक मिल जाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और ग्वालियर ये परस्पर एक दूसरे के सदैव पूरक रहे हैं। कहा बहादरा का लड्डू और अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपना जो भाव है, हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन काल में ग्वालियर की चिर स्थायी स्मृतियां रही है। यद्यपि वो उज्जैन के बड़नगर में भी पड़े हैं और बड़नगर का उनका अपना संबंध रहा है, लेकिन वो भी महाराज सिंधिया का ही अपना पूर्व राजधानी का हिस्सा रहा है। मैं जोरदार तरीके से एक बार फिर आज के इस आयोजन के लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। वहीं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा के पितृपुरुष और करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुंज और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। जनसेवा तथा संगठन विस्तार में उनके विचार सदैव कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देते रहेंगे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि महान राष्ट्रवादी, प्रखर वक्ता, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन। अटल जी के आदर्श जीवन और जनप्रिय शासन को समर्पित सुशासन दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों को याद किया, वो अपने आप में अद्वितीय था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किए गए कार्यों की जमकर सराहना भी की। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।